हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी लाइफ यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केमिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चंस की बात करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चंस हैं एग्जाम में पूछे जाने के चांस होते हैं, इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा गया है। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं यहाँ पे जो हमने 30 क्वेश्चन लिए हैं, ये 30 क्वेश्चन क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे और हमारा पहला क्वेश्चन है कि कांसा किसका मिश्र धातु है, ये यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए तांबा एवं जस्ता का, ऑप्शन बी तांबा एवं टिन का, ऑप्शन सी तांबा एवं सीसा का, या फिर ऑप्शन डी तांबा एवं चांदी का। तो कांसा की बात करें तो ये किसका मिश्र धातु है, तांबा और टिन का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है तांबा और टिन। अगला क्वेश्चन कि पीतल एक मिश्र धातु है जो बना होता है, यानी कि पीतल किसका मिश्र धातु है, ये यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए जस्ता और टिन का, ऑप्शन बी तांबा और टिन का, ऑप्शन सी तांबा और जस्ता का, या फिर ऑप्शन डी तांबा जस्ता और टिन का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है पीतल। देखो, इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, आपको याद रखना है पिताजी, बस पिताजी है ना। तो पिताजी यानी कि पीतल किसका मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है भूरा कोयला किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए बिटुमिनस कोक, अंथ्रासाइट या फिर लिग्नाइट। तो भूरा कोयला कहते हैं लिग्नाइट को, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपको याद रखना है लिग्नाइट जो है इसको कहते हैं भूरा कोयला। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला जो सोडा है इसका रासायनिक नाम क्या है, ये यहाँ पे पूछा है। ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब देखो कैसे याद रखना है, आप याद ऐसे रखना बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, इसका रासायनिक फॉर्मूला पूछा है ना, मतलब रासायनिक नाम पूछा है, तो इसका रासायनिक नाम पूछा है खाने वाले सोडे का। अब देखो, जब भी हम खाना खाने जाते हैं किसी भी पार्टी वार्टी में, उसके बाद खाना खाने के हम खाना खाने के बाद क्या बोलते हैं, बाय। तो खाना खाने के बाद क्या बोला, बाय। तो जिसमें आए बाय वो क्या है, खाने वाला जो सोडा है इसका रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है कि माचिस की तिल्लियों की जो नोक होती है उसमें क्या होता है, किसकी बनी होती है, ये बताना है। तो इसमें होता है रेड फॉस्फोरस होता है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी लाल फॉस्फोरस। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस है जो कि पैरा बैंगनी किरणों के अवशोषण कर लेती हैं। तो जो पैरा बैंगनी किरणें हैं इनका अवशोषण करती है ओजोन लेयर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है ओजोन। अगला क्वेश्चन है कि रसायनों का राजा किसे कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स यानी रसायनों का राजा। तो ये कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है। और सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है H2SO4। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन LPG का मुख्य घटक है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो LPG की बात करें तो LPG का मुख्य घटक क्या है, ये यहाँ पे पूछा गया है। और इसके लिए ऑप्शन ए है मिथेन, ऑप्शन बी है प्रोपेन, ऑप्शन सी है ब्यूटेन, ऑप्शन डी है अथेन। तो यहाँ पे LPG का मुख्य घटक है ब्यूटेन, आपको याद रखना है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कि सोडियम धातु को किसमें डुबोकर रखा जाता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो सोडियम की बात करें तो इसको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन रहना है कि फल जो होते हैं इसको कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है मिथेन, इथेन, प्रोपेन या फिर एसिटिलीन। तो जो फल होते हैं उसको कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए जो गैस यूज करते हैं वो है एसिटिलीन, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है एसिटिलीन। नेक्स्ट है वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी गैलियम, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रोमीन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि क्विक सिल्कर है, क्विक सिल्वर जो होता है इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए प्लेटिनम, या फिर ऑप्शन बी पारा मरकरी, या फिर ऑप्शन सी रेडियम, या फिर ऑप्शन डी टाइटेनियम। तो यहाँ पे क्विक सिल्वर की बात हुई है और इसको कहा जाता है पारा मरकरी कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि धोवन सोडा होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला पूछा है। धोवन सोडा जो धोवन सोडा होता है तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट आपको याद रखना है Na2CO3 है ना, ये होता है। अगला क्वेश्चन है कि बिजली का बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है, ये बताना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो बिजली का बल्ब होता है इसके निर्माण में जिस कांच का उपयोग किया जाता है वो कांच है फ्लिंट कांच, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्लिंट। और बिजली के बल्ब में नियोन, आर्गन और N2 गैस भरी होती है। अब यहाँ पे देखो फ्लिंट कांच की बात करें तो जो फ्लिंट कांच है वो बिजली के बल्ब में तो उपयोग किया ही जाता है, इसके अलावा कैमरा, दूरबीन, लेंस, इसमें भी यूज किया जाता है। अब ये देखो इसके अलावा एक और कांच होता है जैसे कि पायरेक्स कांच, ये इसका उपयोग किया जाता है प्रयोगशाला के जो उपकरण है इनके लिए। और क्रूक ग्लास जो होता है, क्रूक कांच, इसका उपयोग करते हैं धूप के चश्मों के लिए। कई बार पूछा जाता है कि धूप में जो चश्मे पहनते हैं उस वो कौन से ग्लास, कौन सा ग्लास उसमें यूज करते हैं, तो आंसर होगा क्रूक। और जो बर्तन बनाने में कौन सा ग्लास यूज करते हैं, तो बर्तन बनाने में जिस कांच का यूज किया जाता है वो है पोटास ग्लास, पोटास कांच। चलो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो लाफिंग गैस होती है इसका केमिकल फॉर्मूला पूछा है यहाँ पे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है N2O, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है सूखी बर्फ क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो सूखी गैस की बात करें तो ये एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की, ऑप्शन ए प्रिस्टले, या फिर ऑप्शन बी कैवेंडिश, या फिर ऑप्शन सी बॉयल, या फिर ऑप्शन डी चार्ल्स। तो हाइड्रोजन की खोज की कैवेंडिश ने, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जंग से बचने के लिए लोहे से बनी जो पाइप है इन पर जस्ते की जो परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लोहे से बनी जो पाइप होती है इस पर जो जस्ते की परत जो चढ़ाई जाती है इसको कहते हैं गैल्वनाइजेशन, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा गैल्वनाइजेशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि वह एक मात्र धातु कौन सी है जो कि कमरे में तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ये आई थिंक आपने कर लिया है, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा पारा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, ये यहाँ पे पूछा है, तो ये किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, आयोडीन आपको याद रखना है, ऑप्शन ए आयोडीन है ना। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिक के जो गलनांक और क्वथनांक है वो किस तरह का होता है, ये यहाँ पे पूछा है। तो आयनिक यौगिक होते हैं इसका जो गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो ये हाई होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्यों बनाया जाता है, इसका कारण पूछा है, क्योंकि इसमें ऊष्मा जो होती है वो क्या है ये बताना है कि भाई जो ये धातु है ये ऊष्मा का कुचालक है, सुचालक है, अर्धचालक है या क्या है, ये यहाँ पे पूछा है। तो धातु के बर्तन में खाना इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये हीट जो है, ऊष्मा है, इसका सुचालक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है, तो ऑप्शन है कार्बन और आयोडीन, सल्फर या फिर ब्रोमीन। तो इसमें से जो ब्रोमीन है ये एक धातु है जो कि कैसा है, चमकीला है, तो ये आपको याद रखना है, ब्रोमीन आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है, ऑप्शन है कैल्शियम, निकेल, मैग्नीशियम या फिर पोटेशियम। तो यहाँ पे जल में डालने पर जो तैरने लगता है वो है कैल्शियम है, जो कि जल में डालने पर तैरने लगता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अंगूर का किण्वन करना एक है क्या है, तो ऑप्शन ए रासायनिक परिवर्तन है, या फिर ऑप्शन बी भौतिक परिवर्तन है, या फिर ऑप्शन सी रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों है, या फिर अन्य। तो अंगूर का किण्वन करना है ये एक रासायनिक परिवर्तन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा किस तरह के हैं, कम क्रियाशील है या फिर अधिक क्रियाशील है या फिर समान क्रियाशील है या फिर अन्य। तो जिंक और लेड है ये कॉपर है उसकी अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, तो आंसर हो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि उप चैन और जो अपचैन अभिक्रिया है इसको क्या कहते हैं, तो गाइस इसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा रेडॉक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि साग सब्जियों का जो विघटित होकर कंपोस्ट बनाना है ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन ए ऊष्मा छोपी, या फिर ऑप्शन बी
ऊष्माक्षेपी या फिर ऑप्शन सी प्रतिस्थापन या फिर ऑप्शन डी उभयगामी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी है, ये हमारा इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कॉपर चून को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, तो इस परत का रंग कैसा होता है ये हमें बताना है। तो देखिए कॉपर चून को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर जो कॉपर ऑक्साइड की एक परत जमती है, इस परत का रंग होता है काला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काला आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एपएचए का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि है जिसका उपयोग होता है, तो ये होता है एंटीसिड का उपयोग होता है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, ये हमारा इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना है अपच जो है इसका उपचार करने के लिए एंटीसिड है, एंटीसिड इसका उपयोग होता है, ठीक है, ये हम देख चुके हैं ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी लाइफ है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ घंटी की चिन्ह को जरूर दबा लीजिएगा जिससे आपको हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।